Yeah.
जितने भी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, सत्संग लाभ उठाओ। आपको पहले से ही पता है कि इस पावन दिन का सत्संग जब से अंटा आश्रम का निर्माण हुआ है, यहीं पे हर साल आयोजन होता है। वैसे भी बसंत पंचमी का दिन एक विशेष महत्व रखता है और हमारे लिए तो इससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता। जहां तक महत्व रखने की बात है, कहते हैं मां सरस्वती का जन्म इसी दिन हुआ था, जो ज्ञान की देने वाली है, विद्या जिसके अधीन है। तो विद्या ज्ञान समझ से बढ़ के कोई चीज नहीं। दूसरी चीज, अगर हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखा जाए तो इस दिन को ज्यादा हर्षोल्लास से इसलिए मनाते हैं कि मौसम में एक बदलाव आता है। ये एक अलग बात है कि मौसम का मिजाज कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन फिर भी खेतों में लहलाती हुई फसलें, पेड़ों पर नई कोपलें झांकती हुई नजर आती हैं, आमों के पेड़ों पर फूलों की मीठी मीठी सुगंध, पक्षियों की सर्दी के बाद चहचहाने की मीठी आवाज़, सुरीली आवाज़ सुनने को मिलती हैं। जो सर्दी से बचने के लिए इधर उधर पक्षी चले जाते हैं, वो भी वापिस अपने स्थान पे आते हैं। खेतों में सरसों की फूली हुई फसल, शरीर में भी एक अजीब प्रकार की स्फूर्ति, शक्ति और ऊर्जा नजर आती है। और हमारे लिए विशेष रूप मैंने क्यों कहा कि स्वामी जी महाराज जिन्होंने राधा स्वामी मत को प्रकट किया, आम लोगों के लिए बिल्कुल सरल, सीधा और सुगम रास्ता, जिसमें छोटे से छोटा बच्चा 8 साल का भी और 60 साल का भी जिस काम को करके अपने जीवन को सफल बना सकता है, तो आम जन के लिए सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन सत्संगियों के अनुरोध पर स्वामी जी महाराज ने जारी किया था। तो जब भी इस दिन यहां एकत्रित होते हैं, ये बात जबान पे आए बिना नहीं रहती, क्योंकि जो विशेष चीज होती है, विशेष बात होती है, विशेष स्थान होता है, विशेष व्यक्ति होता है, कोई भी विशेषता
जब सामने से गुजरती है और उसका हमें याददाश्त ताजी करवाते हैं, तो हमें उसी वक्त की, उसके गुणों की, उसकी सुंदरता की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ताज़ा हो जाती हैं। तो इसलिए इस विशेष दिन को, और महाराज जी ने भी इसको इस पावन भूमि पर इस गांव में इसलिए रखा था कि दिनोद में आश्रम का निर्माण होने के बाद दूसरा नंबर यहाँ इसी गांव का था। तो यहाँ भी महापुरुष दादा उद्यमी राम जैसे समाज सेवी जीवों के कल्याण के लिए बड़ा दयावान और बहुत ही गुणवान, समाज के हितकारी, लोगों का भला करने के लिए आए थे, जिनके कारण गांव का, इस भूमि का नाम प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ का होना भी उनकी पुरानी यादों को और भी ताज़ा करवाता है, क्योंकि हर जगह में अपने गुण होते हैं, हर चीज़ में अपनी खूबी होती है। भूमि भी कोई पवित्र होती है, कोई भूमि ऐसी होती है जिसमें कोई भी अच्छा काम कभी होता ही नहीं। प्रकृति करवट लेती है, बदलती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ स्थान ऐसे हो जाते हैं। आप देखोगे यहां से थोड़ी दूर पे यही भूमि थी, पानीपत के मैदान में तीन बड़ी बड़ी कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, कितने लोग मारे गए उसमें। तो यही स्थान था यहाँ पे, इतनी क्यों, थोड़ी दूर पे कुरुक्षेत्र की भूमि है जहां पर कितना महायुद्ध हुआ, और उसी जगह पर कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश देके उस भूमि को भी पावन कर दिया। तो हर जगह का अपना अपना अलग से महत्व है। तो मैं कहूंगा इस गांव का भी एक ये विशेष महत्व था, और महाराज जी ने इसमें उस इसी भूमि की पवित्रता को देख के यहाँ आश्रम का निर्माण किया। और मेरे लिए खास बात यह है कि मेरा जन्म भी यहाँ का है, क्यों, मैंने नाम की दीक्षा अंटा गांव से ही ली थी, तो इसलिए मैं तो कभी भूलता नहीं, बल्कि यहाँ जब आता हूँ तो यूं समझो मेरी मातृभूमि को मस्तक झुकाने के लिए आता हूँ। तो जो भी ऐसे दिन आते हैं सत्संगियों के लिए, तो हर दिन एक नया संदेश लेके आता है, और सत्संग का दिन तो यूं समझो कि उनके लिए एक वरदान सिद्ध होता है। सत्संग जरूरी भी है जीव के लिए, जितने अधिक सत्संग मिले उतना ही जीव का फायदा है, नहीं तो सत्संग से जब जीव की दूरी हो जाती है या काफ़ी लंबा समय हो जाता है, तो फिर संसारी चीज़ों का असर उस पर होना शुरू हो जाता है, और वो धीरे धीरे करके सत्संग की बजाय दुनियादारी की चीज़ों में, माया के जंजाल में और काल के चक्कर में फंसने का भय हो जाता है।